हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ। मैं हूँ वर्षा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार आलू पूरी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक चिरमची। अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक कप मैदा। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो आप पूरी तरह से इसको गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं या फिर पूरी तरह से मैदे में भी बना सकते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग। आधी चम्मच अजवाइन। आधी से चम्मच थोड़ा सा ज्यादा कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। एक बड़े साइज का उबला और कद्दूकस किया हुआ आलू। बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च। एक चम्मच नमक। थोड़ी सी हल्दी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम आटे की तरह गूंदेंगे। पहले इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर होता है और मैदे को गूंदने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम बहुत ही कम पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। इस तरह से पहले बहुत अच्छे से आप गूंदिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार कीजिए। आटा गूंद चुका है, अब इसके ऊपर डालेंगे एक चम्मच ऑयल और एक बार फिर से हम इसको गूंद लेंगे। आटा गूंद के पूरी तरह तैयार है, अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं पूड़ियां। जिस तरह से हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी पूड़ियां बेल लीजिए। थोड़ा सा आटे का एक बॉल लेंगे हम हाथ में। और उसको सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट करते हुए हम पूड़ियां बेल लेंगे। पूड़ियों का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिए तैयार है। मैंने ऑयल ले लिया है जो कि गर्म हो चुका है, साथ में पूड़ियां भी बेल ली हैं। एक बार में मैंने 3 से 4 पूड़ियां बेली हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। अलटते पलटते हुए हम पूड़ियों को दोनों साइड से क्रिस्प होने तक पकाएंगे। ये देखिए बढ़िया, कितनी अच्छी करारी बन गई है ये पूड़ी। ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आपको इसके साथ किसी भी तरह की कोई सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अचार के साथ इसको सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लगती हैं। झटपट से बन जाएंगी ये आलू पूड़ी। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है आलू की पूड़ियां। इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।